हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 17 और 18। तो इसके पहले के जो 16 क्वेश्चन है वो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी अच्छे से ज़रूर देख लें, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 कैसे करना है वो बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, जो भी हमको ये दिया हुआ है उसको एक हम स्टेटमेंट मानते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट गिवन स्टेटमेंट बीपीएन। देखो भाई, इसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, है ना, कि ये सब कैसे हुआ क्या हुआ वो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। तो जिसको आता है बहुत बढ़िया बात है, जिसको नहीं आता यार एक बार ही वो वाली वीडियो जा करके इसका बेसिक ज़रूर समझ लेना, ठीक है भाई। तो जो भी हमको दिया होता है उसको सबसे पहले क्या मानते हैं हम, पी एन स्टेटमेंट मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3.5, 1/5.7, डॉट डॉट 1/2n+1 है और 2n+3 है, इक्वल्स टू में n/3, 2n+3, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या पुट करेंगे, देखेंगे 1 पर ट्रू है या नहीं। तो लिखेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1, तो p 1 निकालेंगे। तो इसकी पहली टर्म क्या है, 1/3.5, और 1 पुट करेंगे यहाँ पर, 1/3, 2 × 1+3, तो ये हो जाएगा 1/15। और ये भी देखो कितना हो गया, 2 × 1 = 2, 2 और 3 = 5, 5 × 3 = 15, यानी कि 1 के लिए स्टेटमेंट क्या हो गए, ट्रू। तो लिखेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू 1, 1 पर ये ट्रू हो गई। अब क्या करेंगे भाई, लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस अज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के। के हमने कोई भी एक इंटीजर मान लिया, के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, मान के चलेंगे कि भैया स्टेटमेंट के लिए क्या है, ट्रू है। अब हमें क्या निकालना है, पी के निकालना है। जहां जहां एन है वहां वहां आपको लगाना पड़ेगा के इस स्टेटमेंट के अंदर। देखो भाई, 1/3.5 सेम रहेगा, 5.7 सेम रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, 2n है, तो ये हो जाएगा 2k+1, और ये हो जाएगा 2k+3, 2k+1, और ये हो जाएगा 2k+3, इक्वल्स टू में यहाँ पे हो जाएगा k, और ये हो जाएगा 3 2k+3। तो मान के चलेंगे स्टेटमेंट ट्रू है, इसको यूज करेंगे k प्लस वन में, है ना। तो अब क्या लिखेंगे, वी शेल नाउ प्रूव दैट, वी शेल नाउ प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ट्रू। अब मुझे ये प्रूव करना है कि पी के प्लस वन क्या है, ट्रू है, ठीक है भाई। अब हमें क्या निकालना है, जहां जहां एन है वहां वहां लगाना है के प्लस वन, ठीक है भाई। तो 1/3.5, 5.7, ये तो सेम ही चलेगा, 1/3.5, 1/5.7, ये तो सेम चलेगा। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर देखो ये एन है, एन की जगह पर आएगा के प्लस वन, तो ये हो जाएगा 2k+1+1, 2k+1+3, ये लिखेंगे यहाँ पर, 2k+1+1, 2k+1+3 इक्वल्स टू में एन की जगह के प्लस वन, ये हो जाएगा के प्लस वन अपॉन में 3, और ये 2n+3 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2k+1+3, इस तरीके से। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 1/3.5, 1/5.7, तो ये क्या हो जाएगा, देखो भाई ये हो जाएगा 2k+2 और प्लस वन है, तो कितना हो गया, 2k+3 हो गया, और यहाँ पे 2k+2+3 यानी कि 2k+5 हो गया, इक्वल्स टू में के प्लस वन 3, ये कितना हो गया, 2k+2 और +3, 2k+5 हो गया, ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है ना। तो भाई क्या करना होता है, इसकी एक प्रीवियस टर्म लिखनी होती है, इसकी पिछली टर्म मैंने बताया था, इसकी पिछली टर्म क्या होती है, जो k की आखिरी टर्म है, यानी कि आपको इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि यार इसकी पिछली टर्म क्या होगी। तो भैया k की जो आखिरी टर्म होती है वही होती है इसकी पिछली टर्म, 1/2k+1, 2k+3,
तो इसकी प्रीवियस टर्म क्या होगी, यहाँ पे लिख देते हैं 1/2k + 1, 2k + 3। तो ऐसा इसलिए करा क्योंकि यहाँ तक की वैल्यू पुट करनी है, पूरा k बन गया, पूरा k वाला बन गया ना, इसकी वैल्यू ये है k/3 2k + 3। तो इस पूरे का आंसर पुट करा k/3 2k + 3, और प्लस में ये है 1/2k + 3 2k + 5। अब इन दोनों को सॉल्व करके अगर ये बन गया तो खेल खत्म, ठीक है भाई। तो इन दोनों में से सबसे पहले कॉमन निकाल लो, 1/2k + 3 कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचा k/3 प्लस इधर क्या बचा 1/2k + 5। एलसीएम पकड़ो, 1/2k + 3 सेम, इसका एलसीएम कितना आएगा 3, 2k + 5। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो k को 2k से करूंगा 2k² k को 5 से करूंगा 5k और 3 को 1 से करूंगा 3। इसका हो रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 2 3 6, इसके फैक्टर कर दो तो ये हो जाएगा 2k² + 2k + 3k + 3 / 3 2k + 5, ठीक है ना भाई। इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया, 2 3 6, तो 1/2k + 3, दोनों में से 2k कॉमन लिया बचा k+1, इन दोनों में से 3 कॉमन लिया बचा k+1 / 3 2k + 5। अब दोनों में से k+1 कॉमन और एक में 2k+3 और अपॉन में चल रहा है 2k+3 और ये इंटू में 3 2k+5, तो ये तो कट हो गया। क्या बचा, k+1 बचा ऊपर और नीचे बचा 3 2k+, और यही हमको देखो लाना था, सेम आ गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 10, pk+1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, तो जब कभी भी pk ट्रू होगा, pk+1 ट्रू होगा ही, तो लिखेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू भी हो गई, ठीक है भाई। अगले पे चलते हैं 18 पे। अब देखो ये आ गया हमारा इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, लेस देन ग्रेटर देन। अभी तक क्या हो रहा था, इक्वल टू में आ रहा था, अभी आ गया इनइक्वालिटी। ये हमारा चैप्टर भी है 11th क्लास में, चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, वहां पर हम और डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने का तरीका भी यही होता है जो हमने नॉर्मल क्वेश्चंस में देखा, अभी तक जो हमने 17 क्वेश्चन डिस्कस करे उसमें जो प्रोसीजर फॉलो करा वही प्रोसीजर यहाँ पर भी हम फॉलो करेंगे और इसको स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले लेट गिवन स्टेटमेंट बी PN, इसको PN मान लिया, तो PN क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + n < 1/8 2n + 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर फॉर n इक्वल्स टू 1, तो P1 निकालेंगे, तो इसकी पहली टर्म और ये लेस देन है, 1/8 1 यहाँ पर पुट करो, 2 * 1 + 1 का होल स्क्वायर, तो 1 < 1/8 2 1 = 2 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो भाई 1 तो 9/8 से छोटा ही होता है ना। तो स्टेटमेंट क्या है, लिखेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू 1 के लिए स्टेटमेंट हो गई ट्रू। अब फिर से वही, लेट अस अज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के लिए मैंने मान लिया कि ये ट्रू है। अब करना क्या है, जहां जहां पर एन है वहां वहां के लगाओ, 1 + 2 + 3 + ये तो सेम ही रहेगा, देखो भाई 1 + 2 + 3 सेम रहेगा, एन की जगह के आ गया, लेस देन 1/8 यहां पर एन की जगह आ गया 2k + 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया के। अब हमें करना क्या है, वी शेल नाउ प्रूव दैट pk+1 इज ट्रू। अब pk+1 ट्रू बनना है बस, तो अब करेंगे क्या, जहां जहां पर एन है
वहाँ वहाँ के प्लस वन, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस, देखो भाई एन यहाँ पर है तो यहाँ पर एन की जगह पे क्या आ गया, के प्लस वन आ गया, लेस देन वन अपॉन एट। एन यहाँ पर है तो ये जगह टू के प्लस वन प्लस वन, तो टू के प्लस वन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते थोड़ा, तो ये क्या बन गया, ये हो जाएगा टू के प्लस टू, टू के प्लस टू प्लस वन, तो ये हो जाएगा टू के प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ये पूरा कॉपी चलेगा यहाँ पर और ये आ गया। अब देखो भाई मुझे क्या करना है, मुझे अब ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट बनानी है। किससे बनानी है, के से बनानी है, एक बात याद रखना। दोनों क्वेश्चन में फ़र्क क्या है वो समझ लो। मैं वहाँ पर क्या होता था, हम बार बार इसकी वैल्यू क्या करते थे, पुट करते थे यहाँ पर, पुट करने के बाद इन दोनों को सॉल्व करके ये बनाते थे। लेकिन वो तो तब करते थे ना जब ये इक्वल होता था भाई, वैल्यू मैं तभी तो पुट कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू ये है क्योंकि वो बराबर में होती थी। यहाँ पर बराबर थोड़ी है, यहाँ पर तो लेस देन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वो वाला फंडा काम करना अब बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कैसे करें, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ये के प्लस वन बनाना है। किससे बनाना है, के से बनाना है, समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा बनाना है, इससे बनाना है। तो जिससे बनाना है ना, पहले वो लिख दो अलग से, पहले ये पूरी स्टेटमेंट है यहाँ पर लिख दो, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस प्लस के वन अपॉन में एट टू के प्लस वन का। मुझे इससे पूरा ये बनाना है के प्लस वन वाला, समझ रहे हो आप। इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में आपको k का पूरा यूज करके आपको ये बनाना होगा। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, देखो भाई इसमें और इसमें फर्क क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पर k प्लस वन है लेकिन मेरे पास k है। तो अगर मुझे यहाँ पर k प्लस वन चाहिए तो मैंने क्या करा, एड k प्लस वन बोथ साइड, कर सकते भाई जैसा बनाना है उस हिसाब से हम दिमाग लगाएंगे कि मुझे क्या जोड़ना है ना। यहाँ पर देखो के प्लस वन वाले में इधर के प्लस वन है, मेरे पास के है, तो मैंने क्या करा के प्लस वन ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस प्लस के प्लस वन लेस देन वन अपॉन में एट टू के प्लस वन का स्क्वायर प्लस। अब देखो भाई हमारा आर एच एस बन गया कि नहीं, आर एच एस बन गया, मुझे ये बनाना है बस, सॉरी एल एच एस बन गया, अब मुझे बस ये बनाना है आर एच एस। देखो इसको सॉल्व करके मुझे आर एच एस बनाना है, तो इसमें लगाओ ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपॉन में एट और प्लस में के प्लस वन चल रहा है साइड में, इसका एलसीएम लेंगे, वन अपॉन में एट ये क्या हो गया टू के का स्क्वायर फोर के स्क्वायर प्लस वन प्लस टू इंटू टू के हो गया फोर के प्लस एट प्लस के प्लस वन अपॉन में वन, इसका एलसीएम पकड़ो, एलसीएम आ रहा है आठ, फोर के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस वन प्लस ये हो जाएगा एट के प्लस एट, तो ये हो जाएगा फोर के स्क्वायर प्लस आठ और चार बारह के प्लस आठ और एक नौ अपॉन में आठ। अब देखो भाई फोर के स्क्वायर को मैं टू के का स्क्वायर लिख दूँ, नौ को तीन का स्क्वायर लिख दूँ और ये बारह के को लिख दूँ टू इंटू टू के इंटू तीन टू ए बी, तो देखो ये फॉर्मूला नहीं बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, किसका फॉर्मूला बन गया है, टू के प्लस थ्री का होल स्क्वायर और ये वन अपॉन एट साइड में लिख दूँ। तो देखो पूरा का पूरा ये तो बन ही चुका था पहले, अब ये भी बन गया, तो लास्ट में लिख देंगे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस के प्लस वन इज लेस देन वन बाय एट टू के प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ये फाइनल हो गया हमारा, देखो यही लाना था, पूरा का पूरा हमने बना दिया के से, ठीक है भाई। तो यहाँ पर भी लिखेंगे दस पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट क्या हो गई। तो उम्मीद करता हूँ यार ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।